अस्सलामुअलैकुम माई फन वेजाइनिंग बाय मी सेफ फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सरीज और आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े का व्लॉग लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले फन विद लर्निंग बाय मी सेफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, एंड तक देखिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। प्यारे बच्चों, आज हम पॉटरी वर्कशॉप, जिसको क्ले थेरेपी वर्कशॉप कहते हैं, वो अटेंड करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एंट्रेंस में डिफरेंट साइजेस और शेप्स के पॉट्स रखे हुए थे, वेस भी रखे हुए थे, लॉन्ग नेक एंड शॉर्ट नेक वेस। और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने एक शेल्फ को पूरा डेकोरेट किया हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर आपको पॉट्स, कप्स और वेस नज़र आ रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत तरीके से। कुछ पेंटेड हैं और कुछ पेंट नहीं किए हुए हैं। और ये जो है चीज़ बड़ी न्यू थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखकर। और मैंने जब इन्हें टच किया तो ये इतने स्मूथ थे, इनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा प्लेन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्कशॉप है, यहाँ पर उन्होंने कुछ क्ले ब्रिक्स रखी हुई हैं, बड़ी सॉफ्ट सी क्ले है। और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल, अगर आप उसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट सी क्ले थी, मुझे बहुत पसंद आई, बड़ी नीटली इन्होंने रैप की हुई थी। और अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ग्लास शेल्फ़ के अंदर डिफरेंट आर्टवर्क डिफरेंट स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है जी। बिल्कुल, ये जो स्टूडेंट्स आते रहे हैं, प्रीवियस वर्कशॉप्स इन्होंने अटेंड की हैं, काफ़ी जो है उनका आर्टवर्क है ये। और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी जो भी उनके इंटरेस्ट था, उस लिहाज से उन्होंने बड़ी क्रिएटिविटी शो की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पॉटरी व्हील जी, बिल्कुल। और ये जो क्ले आपने देखी थी, इसको टेराकोटा क्ले कहते हैं। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो कारीगर हैं वो इस डिफरेंट साइज और शेप के पॉट्स अभी बनाते जाएंगे और वहाँ रखते जाएंगे। अभी आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बना रहे हैं और डिफरेंट साइज़ और शेप्स की क्रिएटिविटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये ऐसा स्किल है जो आप सबको भी ज़रूर सीखना चाहिए। और यकीन करें, बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो एनर्जाइज्ड, यू फील सो फ्रेश। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप अपने हैंड्स से ये काम करते हैं तो आप फील करते हैं, यू फील फ्रेश, बिकॉज ये क्ले है। और जब भी आप क्ले से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो यहाँ पे देखें, उन्होंने डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कुछ को कलर किया गया है, कुछ को मार्बल है लगाया हुआ, कुछ को पेंट किया गया है। मुझे तो ये सारे ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपका फोकस इंक्रीज़ होता है, आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन इन्हेंस होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, और आपके सोशल स्किल्स इंक्रीज़ होते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट, आप खुश होते हैं जब आप एक अचीव कर लेते हैं अपना टारगेट। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये जो वर्कशॉप थी, ये इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी अटेंड कर सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े सब अटेंड कर सकते हैं। सबने अटेंड की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और अपने अपने जो भी क्रिएटिविटी थी जिसकी भी, और अपनी अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से उन्होंने पॉट्स यहाँ पे देखें डिस्प्ले किए हैं, बहुत खूबसूरत डिफरेंट साइज़ और शेप्स के साथ। कितनी महारत के साथ जो कारीगर हैं वो ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स भी थी, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत से वहाँ पर प्लांट्स की डेकोरेशन हुई हुई थी। ये हमारे ऐसे करके निकाल, आवाज आ रही है जोर के, ये हेड्स टू द कप, हेड्स टू द ट्रैफिक, एंड हियर गोस टू द बैक। सारा गुस्सा निकल गया, अब इसको दोबारा कलेक्ट करके फिर से गुस्सा निकाल, या कलेक्टेड अगेन, या फिर टुगेदर दोबारा से, और फिर पकड़ा और दोबारा से मारा जोर के, आरजू ने सारा गुस्सा इस पे निकाल दिया। और आसपास आपके ट्रीज हैं, यू गाइस आर द बर्ड्स अराउंड एंड यू जस्ट डिगिंग इट, ठीक है।
प्यारे बच्चों, मैम इब्तिसाम और मैम रबिया दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एज ग्रुप को केटर किया, उनको सुना और उनकी फुल जो है उन्होंने हेल्प की, स्पेशली जिनका फर्स्ट टाइम था। ओनली द सीड्स, नो वाटर, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेक्ड। सो ये आपने पहला पिंच पॉट बनाना है। सो टेक अ चंक, इतना बड़ा, एटलीस्ट इतना बड़ा पीस आपने क्लियर कर लेना है अपने उसमें से। Take a chunk. Good. Take a chunk and then roll it. पानी ऊपर रखे और हल्का सा अपनी जो hips है ना, सिर्फ ऐसे pinch करके ऐसे करके बना। ठीक है? Ears बनाने लगी हूँ। So I'm gonna make a cat. मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी कैट बना दूंगी। ठीक है? सो हाँ, अब इसको मैंने अटैच कैसे करना है और अपनी फिंगर के साथ ही इसको मशीन करना है ताकि ये इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाए। तो जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें नीड करना सिखाया, हमें बताया कि किस तरीके से आपने क्ले को सॉफ्ट करना है और डिफरेंट टूल्स का यूजेज भी सिखाया है कि आपने किस तरीके से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई अपने अपने जो भी पॉट्स हैं या वेस हैं उनको रेडी कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर स्प्रेज भी मिलेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन करें इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू वॉच एज़ वेल। एक तो आप ख़ुद एक्टिविटी करते हैं और साथ में अगर आप दूसरों को देखते हैं ना, दैट इज़ आल्सो वेरी मच रिफ्रेशिंग, और आप बहुत अच्छा और क्रिएटिव फील करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो टाइम है वो कहाँ निकल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस तैयार किए हैं, जैसा जैसा जिसकी जो इमेजिनेशन में था उन्होंने वैसा इस तरीके से उसको पॉट को और वेस को बनाया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की वर्कशॉप्स ज़रूर अटेंड किया करें, ये आपके लिए सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अपने फैमिली के साथ जाएं, सारे मिलकर ये करें और इससे फैमिली बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्वालिटी और प्रोडक्टिव टाइम आप स्पेंड करेंगे। सबसे मज़े की बात ये है कि फिर ये जब बेक होते हैं तो आपको ये बेक करने के बाद वो नोटिफिकेशन आपको देते हैं कि वो आपके जो बनाए हुए पॉट्स हैं वो बेक हो चुके हैं, आप उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं और आप घर में अपनी क्रिएटिविटी की एक शेल्फ रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।